महोदयंकर मुखारविंदरु महाप्रभुंकर से अनन्य कथा आज्ञा श्रवण करूथिले। कार्तिक मासर आज होची पंचमे दिन गुरुवार आ कार्तिक मासर ये होची प्रथम गुरुवार। ई कार्तिक मासर प्रथम गुरुवार रे आसंतु से भली भाव रे देखंतु एकाठी किपरि भाव रे महाप्रभुंकर पाई विभिन्न प्रकार अर्घ्य प्रदान करुछन्ति। अर्घ्य गृहाण देवेश गंध पुष्पाक्षते सह करुणा कुर्मे देवा गृहाणार्घ्यो दिवाकर गृहाणार्घ्यो देवदेवेश समस्त देवतांकु आज्ञा अर्घ्य प्रदान करि देउछन्ति। सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करि देउछन्ति समस्तंकु अर्घ्य प्रदान आज्ञा अर्घ्य प्रदान कार्तिक मास रे जो अर्घ्य प्रदान रो स्वतंत्रता आज्ञा रहिछि कौन ना महाप्रभुंकर से अर्घ्य प्रदान रे इते स्वतंत्रता अच्छी जहाँ को शुणिले आपण आश्चर्यचकित होइजिबे कहीं जिते प्रकार उपचार अच्छी ता भितरे गोटे उपचार होछि अर्घ्यदान आसन स्वागत पद्य अर्घ्यमाचमनीयकम मधुपर्कम चरम चमन स्नानम वासनाभरणानि च सुगंध सुमनो धूप दीप नैवेद्य वंदनम जिते प्रकार उपचार अच्छी तापर अर्घ्य मध्य रुहा रही सब देवता अर्घ्य प्रदान करा जाई थाए। अब कार्तिक मास रे सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कले से समस्त प्रकार कौन करती आरोग्यम इच्छेते भानु आरोग्यता प्रदान करती कहीं शरीर हूँ रोगर मंदिर आज्ञा ये शरीर जदि सब थी धन थी कौन हेब जन थी कौन हेब जदि आपणकर शरीर रे रोग अच्छी ताले ताठरु कष्ट आउ संसार रे किछि नाही से आरोग्य को हरण करंती किए ना सूर्य नारायण सेथिपाई अर्घ्य होउछंती तंकर नमस्कार आउ अर्घ्य ये होछि दुईटी तंकर प्रिय सेथिपाई त विभिन्न प्रकार मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करा जाय थाए। कष्ट हरण पाई मध्य अर्घ्य प्रदान करा जाय थाए। दुख संपूर्ण भाव रे हरण पाई मध्य अर्घ्य प्रदान करा जाय थाए। आउ द्वादश आदित्यंकर पूजन मध्य से भली भाव रे करा जाय थाए। विभिन्न प्रकार रा पूजा पद्धति रही आज्ञा सूर्य नारायणंकर जिते आड़े आज्ञा बुली बुली आसीबे अर्घ्य प्रदान करुथिबे जदि सबुदिन प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को ताहले आपनंकु कोनोसी प्रकार आज्ञा रोग मध्य धारण करिवो नाही सेथिपाई अर्घ्य ये होची प्रधानता रही जी अर्घ्य प्रदान करती तंकर कथा को निश्चित भाव महाप्रभु सूर्य नारायण आज्ञा शुणी था महाप्रभुंकर वेश श्रृंगार एठारे मध्य सूर्य नारायणंकर पूजा पद्धति रही आज्ञा सूजा सूर्य नारायणंकर जिते बड़े पूजा महाप्रभुंकर द्वारा पाल से मध्य सूर्य नारायणंकर पूजा अर्चना रही सूर्य नारायण को मध्य अर्घ्य प्रदान करा जाय थाय। अर्घ्यर स्वतंत्रता रही कार्तिक मास रे जेकोणसी मास रे जेपरि भाव रे स्नानर महत्व रही ता सहित एही मास रे आज्ञा तीर्थरे स्नान करिबा मात्र के तार सय गुण फल प्राप्ति होई थाय। सेहिभली भाव रे सहित एही मास रे आज्ञा जे समस्त देवादेवी को अर्घ्य प्रदान करती से मध्य तंकर शरीर निरोग रही थाए बोली कुआ जाई छी। आसंतु से भली भाव सहित पंचम अध्याय रे कौन वर्णना करा जाउछि ताको मध्य श्रवण करिबा। पंचम अध्याय श्री शुक उवाच एमन्ते कृष्ण वाक्य सुणी से सक्राजित रदुल्हानी पुछंती पति स्नेह घेनी भोनाथ कह पुण्य धोनी कार्तिक महात्म दुल्हावा जे धर्म भाग्य रे सुल्हावा जे धर्म कथा विधि कृत्य कही संतोष कर चित्त। सुका सुत महामुनि आज्ञा कहुछन्ति कण ना सक्राजितर सुत कन्या दुल्हणी जहाँ को कह जाए जो सत्य भामा से पचारुछन्ति स्नेह वर रे
भोनाथ कह पुण्य धुनि। ये धुनि कथा कुहतु कार्तिकर, से कथा कथा जो कार्तिकर महात्म्य कथा टिके कुहतु, जे धर्म कथा विधिकृत्य कही संतोष करीचित कहतु ना से कार्तिक मासर कथा, जहा द्वारा संपूर्ण भाव रे आमर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप को विनाश हो जाऊ। आग को कौन अच्छी किपरि भाव कार्तिक व्रतर कौन महात्म्य रही कहती करुणा सागर भोप्रिय सुण धर्म सार पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्य वंश रे उतापती पूर्वरे जो चक्रवर्ती राजा पृथु सूर्य वंश रे उत्पन्न हुई थिले से उचंती सत्य युगर कथा से कथा को श्रवण कराउचंती महाप्रभु। कृत योगरे राजा महाराजा सुखे पालई जन प्रजा धरणी सहस्य पुण्य करी दुष्ट दानव दर्प हरी विष्णुर अंगु अवतार तेणु विवेक अनुपवर नारद मुनि ग्रते धर्म पूछई नित्य नित्य। ये समस्त कथा सत्य युगर धरणीर सस्य पुण्य करी दुष्ट दानव दर्प को हरण करी विष्णुकर अंगरे अवतार तेणु विवेक अनुपवर से विवेक युक्त नारद मुनिंकर अग्रते धर्म पुछई नीति नीति। सबुदिन धर्मर कथा किछि ना किछि पृथुराज नारद को पचारंती कहीं ना धर्म एकासिना महत पणिया आउ सबु कथा ओढ़े दिनिया देखुचंती माँ मैंने आज्ञा धर्म करने को आसी धर्म करवा को जिते बड़े आसी निश्चित भाव आज्ञा केउठारु से आसी संपूर्ण भाव रे घर द्वार समस्त को छाड़ी महाप्रभुंकर पाखरे आसी पहुंची विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर पाखरे उपचार प्रदान करुछंती। से बोली भाव रे नारद को जिते बड़े पृथ्वीराजा पचारंती धर्मर कथा से बोली नारद महामुनि मध्य कहंती नारद मुनि ग्रते पुछई धर्मे नीति नीति दिने का आस्ताने बसाई मुनि को पोइले डर साई छत्रपति राजा जहां को चक्रवर्ती राजा मध्य कह जाई थाए से चक्रवर्ती राजा आज्ञा पचारुचंती कौन भूमुनि विष्णु परायण तुम्बे सकल धर्म जान तुम्हें सब सकल धर्म को आपण जानी पारा